कोरिया के भीटमाड़ा जंगल में मास्टर टावर के आसपास 13 हाथियों का झुंड बीते 2 दिनों से विचरण कर रहा है। इन हाथियों ने मास्टर टावर परिसर में बने झोपड़ी सिंटेक्ट की टंकी और घेरवा को भी तोड़ दिया है। वहीं सोनहत से राजगढ़ मुख्य मार्ग के समीप हाथियों की आमद से परिक्षेत्र के कर्मचारी चौकन्ना है। राहगीरों को समझाइश देकर सतर्क किया जा रहा है। दूसरी ओर पर्यटन स्थल बालमगढ़ी जाने पर रोक लगा दी गई है ताकि कोई जनहानि न हो। कोरिया से विशाल सिंह की रिपोर्ट। मास्टर टावर में बीटापानी के अंतर्गत मास्टर टावर में लगभग हाथी संख्या 12 हैं, जिसमें 2 बच्चे हैं। मास्टर टावर के जस्ट अगल बगल में यहाँ पास आगे चारों ओर से राउंड मार रहे हैं। अभी कल 4 बजे से यहाँ डटे हुए हैं। कुछ चौकीदारों को बोल के रोड में खड़े करके और बैरियर लगा हुआ है, वहाँ मना कर रहे हैं कि इसके अंदर न जाएँ, नहीं से गाड़ी घोड़ा या फिर आमजनों की नुकसानी हो सकती है। उनको समझाइश दिया जा रहा है कि पर्यटक स्थल घूमने ना जाएँ। हाथी का आगमन तो यहाँ लगभग हमेशा ही रहते हैं, लेकिन यह है कि परसों से बड़ा वाला दल आ गया है। लगभग 13 संख्या हो तब से 3 ग्रुपों में लगभग हाथी हैं यहाँ पे। नुस्कान में तो फिर जंगल में घूम रहे हैं, और यहाँ मास्टर टावर में बना हुआ एक झोपड़ी है जहाँ खाना वाना बनता है, केवल अभी उसी को तोड़ दिया गया है।